दोस्तों, मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा किए गए कई फैसलों से पूरी दुनिया में एक नया एनर्जी क्राइसिस खड़े होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत ने ऑयल प्राइस कैप को मानने से साफ इंकार कर दिया है और हम रूस से अपनी ऑयल सप्लाई को जारी रखने वाले हैं, जिसे समझते हुए रूस ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस में मौजूद भारतीय एम्बेसडर पवन कपूर के साथ रूसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग की, जो कि 9 दिसंबर को हुई थी, जिसके दौरान उन्होंने रूस की तरफ से भारत को ऑफर दिया है कि रूस भारत के साथ मिलकर विशाल कार्गो शिप और ऑयल टैंकर निर्माण करने के क्षेत्र में साझेदारी करना चाहता है, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और अलग अलग विध्वंसक जहाजों के निर्माण के मामले में भारत काफी ज्यादा विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत ऑयल टैंकर और कार्गो शिप की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खास विकास नहीं कर पाया है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब बन गया जब ऑयल प्राइस कैप की वजह से भारत पश्चिमी देशों के ऑयल टैंकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी बात का फायदा उठाकर पश्चिमी देश ये कयास लगाए बैठे थे कि वे भारत को ऑयल प्राइस कैप की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए रूस ने बिल्कुल सही समय पर भारत को ऑयल टैंकर और कार्गो शिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में साझेदारी करने का ऑफर दिया है, जिससे भारत पर दबाव और भी ज्यादा कम हो जाएगा और हम खुलकर रूस के साथ ऑयल डील्स कर सकेंगे। दुनिया भर में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाले ज्यादातर बड़े ऑयल टैंकर और शिप पश्चिमी देशों के ही हैं, यहां तक कि इनका आंकड़ा लगभग 80% से भी ज्यादा है। ऐसे में भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था कि हम पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर रूस से तेल की सप्लाई करवा सके। हालांकि मौजूदा समय में इस परेशानी को सुलझाने के लिए कई इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजे गए हैं, जिसके तहत रूस लगातार पिछले 10 महीनों से ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ मिलकर ऑयल टैंकर्स की एक शैडो फ्लीट तैयार कर रहा है, जिसमें मौजूदा समय में लगभग 100 से भी ज्यादा ऑयल टैंकर शामिल हो चुके हैं, जिनकी मदद से रूस भारत को लगातार तेल की सप्लाई जारी रख सकता है। साथ ही ये सभी जहाज एक साथ मिलकर लगभग 10 मिलियन टन तेल सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अपने इन इनोवेटिव सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके रूस ने मौजूदा परेशानी को सुलझा दिया, वहीं पर दूसरी तरफ इस नए ऑफर से रूस भारत की भविष्य में आ सकने वाली परेशानियों को भी सुलझा रहा है, जिसके तहत अब भारत रूस के साथ ऑयल टैंकर और कार्गो शिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में साझेदारी कर सकता है, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कार्गो शिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत ने भी पिछले कुछ महीनों से ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत हम कई अलग अलग PLI स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रूस का साथ मिलना भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि स्वदेशी ऑयल टैंकर और कार्गो जहाजों की एक बड़ी फ्लीट खड़ी करने में हमें कुछ सालों का समय लगेगा, इसीलिए हमें तब तक के लिए दूसरे रास्ते भी खोजने होंगे, ताकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लगातार पूरा करते रहें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत OIC एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाने के बारे में सोच रहा है। और उन्होंने इस पर काफी बड़े बयान देते हुए ये बात कही है कि OIC एक नए प्लान पर काम कर रहा है, ताकि कश्मीर मुद्दे को सुलझाया जा सके। OIC ने ये बात भी मानी है कि इस योजना को बढ़ाने के लिए वह पाकिस्तानी सरकार के साथ काफी क्लोज कोऑपरेशन के तहत काम कर रहे हैं, ताकि वह कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नए चैनल का विकास कर सके, जिससे इस मुद्दे को सुलझाया जाए। हालांकि भारत ने यह बात हमेशा से साफ कर दी है कि हम कश्मीर में किसी भी तीसरे देश या संगठन की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी OIC हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे पर विवादित और आपत्तिजनक बयान देता आया है, और अब यह बयान देना कि वह कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक नई योजना बना रहे हैं, वह भी पाकिस्तानी सरकार के साथ मिलकर, काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। पाकिस्तान हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग अलापता आया है, और OIC में जाकर हमेशा ही पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, ताकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बेवजह का ध्यान खींच सके और भारत पर दबाव बनाया जाए। हालांकि ये बात साफ है कि पाकिस्तान और OIC के इन चोचलों से भारत पर कोई भी दबाव नहीं बनता, बल्कि इससे यही बात साबित होती है कि कैसे पाकिस्तान अपने प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए OIC का इस्तेमाल करता है, जो कि संगठन की विश्वसनीयता पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस बार न कि सिर्फ डिप्लोमेटिक स्तर पर OIC द्वारा दिए गए इस बयान की कड़ी निंदा करनी चाहिए, बल्कि हमें जमीनी स्तर पर कुछ एक्शन भी लेना होगा, ताकि OIC की तरफ से भविष्य में ऐसे कोई भी बयान सामने न आए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।